म्यूकरमाइकोसिस बीमारी पर सामान्य अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध कराए और निजी अस्पताल में भी इस बीमारी पर उपचार करने की अनुमति दी जाए, इस मांग का निवेदन वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिलाधिकारी द्वारा आरोग्य मंत्री को सौंपा। चंद्रपुर जिले में कोरोना महामारी के बाद म्यूकर माइकोसिस बीमारी के 88 मरीज मिले। इस बीमारी पर चंद्रपुर जिले के किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल में अभी तक उपचार पद्धति मरीजों को न मिलने से मरीजों को बड़े पैमाने पर परेशानी सहनी पड़ रही है, ऐसा आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता राजू जोड़े ने किया। सामान्य अस्पताल में इस बीमारी के मरीजों को कुछ खास उपचार नहीं दिया जा रहा है। इस बीमारी पर इंजेक्शन और औषधोपचार अभी तक जिले में उपलब्ध न होने से वर्तमान में इस बीमारी का प्रमाण बढ़कर मरीजों की जान जाने की संभावना है। तभी निजी और सरकारी अस्पताल को इस बीमारी पर दवाइयों का स्टॉक तत्काल उपलब्ध करे, साथ ही निजी अस्पताल में भी इस बीमारी पर उपचार करने की अनुमति दी जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा इस मांग का निवेदन जिलाधिकारी द्वारा आरोग्य मंत्री को सौंपा गया। यदि यह मांग तत्काल पूर्ण नहीं की गई तो वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा पूरा आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा निवेदन द्वारा शासन और प्रशासन को दिया गया। निवेदन देते समय वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता राजू थोड़े, मघु वानखेड़े, सुभाष थोरात, कृष्णा पेरका तथा वंचित बहुजन आघाड़ी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना महामारी नंतर मायक्रो फंगस नावाचा आजाराने थैमान घातलेला आहे। एकीकडे शासन प्रशासन मोठ्या डिंग्या हाकता है, मायक्रो फंगस वरती उपचार सरकारच्या माध्यमातून होत आहे। चंद्रपूर जिल्ह्यात काँग्रेस बीजेपीचे विकास पुरुष नेते स्वतः मोठ्या मोठ्या बडाया मारून फ्लॅक्स लावले, बॅनरबाजी केले की मायक्रो फंगसचा इलाज जेणेकरून तेच केले, परंतु वास्तविकता आहे की चंद्रपूर जिल्ह्यात 88 जे रुग्ण आहे मायक्रो फंगसचे, त्यांच्या रुग्णांचा उपचार अजूनपर्यंत पद्धतीने होत नाही, त्यांना लागणारी दवाई गोळी इंजेक्शन ते सुद्धा मिळत नाही। काल एका रुग्णांनी मला फोन करून सांगितलं, त्याची मानसिकता एवढी खालवलेली आहे की फोन करून बोलतो का जर माझा उपचार होत नसेल एवढा पैसा असून सुद्धा तर मला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही। ही रुग्णांची मानसिकता होत आहे आणि सरकार प्रशासन गप्प बघत आहे। प्रोडक्शन नाही या नावाखाली रुग्णांना आणि रुग्णाच्या नातेवाईकाची घुलताप करत आहे। वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आज आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं आणि त्यांना विनंती केली की आपण शासन स्तरावरती याच्यावरती लवकरात लवकर उपचाराच्या संदर्भात मोठा पाऊल उचला, अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये तीव्र आंदोलन करणार, अशा इशारा निवेदनच्या माध्यमातून आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री आणि कलेक्टरच्या माध्यमातून